हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीटी वर्सेस ईवीए फुल स्टेट्स प्लस इनपो यानी कि निकोसिया टाइगर वर्सेस एवरेस्ट के बीच जो मैच नंबर 3 खेला जाना है। ये मैच जो है शाम 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको बता दूं कि ये मैच जो है सेम वेन्यू पे ही खेला जाना है जो जिस वेन्यू पे 2 मैचेस हो रहे हैं, यानी कि पहला मैच तो हो चुका है, दूसरा मैच चल रहा है। पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो आर्टिफिशियल पिच है, फोकस करने हैं जो आपको प्ले स्टेट्स पे करने हैं। एवरेज स्कोर 97 मैंने बताए थे और आपने देखे पहले मैच में 97 ही बने और वो मैच आराम से चेज भी हो गया। तो कुछ जो डेप्थ एनालिसिस लोग बोलते हैं ना, ये होती है डेप्थ एनालिसिस। मैंने जो 5 बॉलर बोले थे एक टीम के वो तो सटीक बैठे, बट सेकंड टीम से कोई एक एन मेहर करके था जो कि हाई सेलेक्टेड, उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने विकेट लेके गए। थोड़ी सी वहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट में जो है लॉस हुई, बट अच्छा गया। बाकी देखें, निकोसिया टाइगर जो है 1 मैचेस खेल चुकी है जिसमें से एक मैच जीत चुकी है। रोहन मजूमदार, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, ऑडियो में बताया था कि कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते, 1 ओवर की गेंदबाजी की थी शानदार, हो सकता है कि 2 ओवर के भी गेंदबाजी कर जाए। रोहन मजूमदार ओपन आए, 32 रन बनाए, इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीबीसी के ऑप्शन रहेंगे, पहले बल्लेबाजी आती है तो और भी ज़्यादा। जिशान महमूद विकेट कीपिंग सेक्शन में इस सीज़न 2 ओवर की गेंदबाजी भी किए और 2 विकेट भी लेके गए, और 7वां और 9वां इंपॉर्टेंट रहेगा, सीबीसी के एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, 22 रन भी बल्ले से बनाए। यासिर महमूद 1 डाउन आके 1 रन प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, 4th और 8वां ओवर, तो ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी करें प्लस 1 डाउन आ रहे हैं। बाकी जाहिद हसन है जो कि टीम के कैप्टन हैं, इस कारण से ये थोड़ा खुद को प्रमोट कर रहे हैं, वैसे इनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। पहला ओवर, दूसरा ओवर डालने आए थे, बहुत ही ख़राब गेंदबाजी किए थे, इस कारण से इग्नोर करके मैं अभी जाऊँगा इस मैच में। इफ्तिकार जमान थोड़ा सा इस मैच में हो सकता है कि नंबर 4 पे भी आ जाए, प्रमोट किए जा सकते हैं, 1 डाउन में भी आके बल्लेबाजी करना जानते हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, प्रॉब्लम ये है कि पहला तीसरा ओवर कर रहे हैं, अगर एक आधी ओवर डेथ में या मिडिल में मिलता है तो एक सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन बन जाएंगे, खिलाड़ी शानदार है। आसिफ बाम वैसे तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, कभी जरूरत पड़ने पर एक आधी ओवर गेंदबाजी कर लेते हैं। सुफियान मोहम्मद उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, सागर रहमान जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है उतना कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं। फहद महमूद, मैंने बताया था कि ये प्लेयर जो है अच्छा काम करके देंगे और मैंने टीम में भी ली थी, डेथ में गेंदबाजी किए थे, इनके एक आधी कैच भी छूटे थे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये 1 के जगह 2-3 विकेट इस मैच में लेके जा सकते हैं। विकास श्रेष्ठा बल्लेबाजी ही सेव करते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, एक ही मैच में आई थिंक 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे। शब्बीर अहमद कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। अब आप यहाँ से इनके फुल स्टेट्स देखना चाहते हैं ना, ये वाले मैच से पहले जो भी मैचेस खेले आप यहाँ पे आराम से रीड कर सकते हैं, सारे प्लेयर के स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ इनमें से न्यू प्लेयर्स अगर लाइनअप में आ जाते हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं उनके स्टेट वाइज, अन्यथा आप इनको पूरे को आप इग्नोर करके जा सकते हैं। सारे प्लेयर के यहाँ पे स्टेट, जितने भी स्क्वाड में शामिल है सारे प्लेयर के स्टेट्स अवेलेबल हैं। इनके अलावा देखिए एवरेस्ट की टीम जो है यहाँ पे जीवन लॉन्सन इनके तरफ से अभी फिलहाल ओपन करने आए थे, 10 रन बनाए थे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, 6 गेंदों में 10 रन बनाए, अच्छा खेले लगभग, बट आउट हो गया। बिमल रनावत जो कि थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकते हैं, टीम के कैप्टन हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, 7 गेंदों में 14 रन बना के आउट हो चुके हैं। अभी फिलहाल हरी छेत्री और साहिल अख्तर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल। मैंने वीडियो ऑडियो में कहा था टेलीग्राम में कि हरी छेत्री का आपको ध्यान रखना है, 14 रन बना के आई थिंक ये आउट हो चुके हैं ये भी, और एस अख्तर 12 रन बनाए हैं। इनके बाद जो आने चाहिए वो आने चाहिए अर्जुन शाही, आई थिंक आ ही चुके हैं, 1 रन बना के खेल रहे हैं। इनके बाद श्याम पंडित, राम जायसवाल, मोहम्मद हुसैन, कुछ इस प्रकार से इनकी बल्लेबाजी क्रम हो सकती है। मैं आपको बता दूं इनके तरफ से जो मेन बॉलर्स मेरे ख्याल से हैं वो हरी छेत्री हो सकते हैं क्योंकि इनके स्टेट्स नहीं है, इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि हो सकते हैं। जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि बॉल 2 ओवर करने चाहिए, साहिल अख्तर, अर्जुन शाही, इनके अलावा राम जायसवाल कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, मोहम्मद हुसैन के स्टेट्स भी नहीं है ये भी कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, इनके अलावा भुवन खत्री ये प्लेयर्स 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। तो यहाँ से भुवन खत्री हो गए, अर्जुन शाही, साहिल अख्तर बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज भी है और नंबर 5 पे आ ही चुके हैं, और यहाँ से हरी छेत्री भी आई थिंक की बॉलिंग करनी चाहिए। ये 3 बॉलर तो मेरे ख्याल से कंफर्म है कि 6 ओवर डालेंगे, इनके अलावा राणा भट्ट है कुछ ओवर डालेंगे, राम जायसवाल है, मोहम्मद हुसैन है, तो ये देखना रहेगा अभी सेकेंड इनिंग में क्या होता है। बाकी आप यहाँ से इनके फुल स्टेट्स देख सकते हैं, पहले वीडियो में भी बताया हूँ इन लोगों के बारे में कि बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अगर न्यू प्लेयर्स इस मैच में कुछ खेल जाते तो आप उनके स्टेट्स यहाँ से देख लेंगे और अपने टीम में अगर उनके स्टेट्स अच्छे हैं तो आप ले लेंगे, अन्यथा आप उनको इग्नोर करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हरी छेत्री और जो है मोहम्मद हुसैन के स्टेट्स नहीं थे, बट पहले मैच में खेल चुके हैं तो अब इनके स्टेट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मैच में। तो अब हम चलते हैं अपने डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पर कर लेते हैं।
देखिए मैंने अभी यहाँ पे जो है विकेट कीपिंग सेशन से जिसान मासूद को लिया हूँ, महमूद को लिया हूँ, जो कि ओपनिंग आ रहा है प्लस दो ओवर की गेंदबाजी, सात ओवर नौ ओवर डाले थे, सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन है। बाकी ए बम थोड़े नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से मैं आपको बता दूँ अगर आर जायसवाल अगर गेंदबाजी करते हैं तो मेरे टीम में रहेंगे, अन्यथा मैं उनको इग्नोर करके ही जाऊँगा। यहाँ से मैंने बी राना भट्ट और जे लामसल को ले लिया हूँ, इफ्तिखार जवान जो कि दो ओवर की गेंदबाजी करेंगे, राना भट्ट ओपन आए हैं प्लस एक आधे ओवर गेंदबाजी भी करेंगे, जे लामसल ओपन आए थे, अच्छे खिलाड़ी है, मैं इनको भी लूँगा। इनके अलावा आर मजुमदार जो कि ओपन आए हैं थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी दे सकते हैं, सी बी सी के अच्छे ऑप्शन हैं। इनके अलावा यहाँ से एस अख्तर है जो कि नंबर पाँच पे बल्लेबाजी करेंगे प्लस आपको दो ओवर की गेंदबाजी देंगे। यहाँ से यासिर महमूद वन डाउन आए हैं प्लस दो ओवर की गेंदबाजी भी किए थे, बिल्कुल सी बी सी के अच्छे ऑप्शन हैं। बाकी यहाँ से लिंकन जमील जब भी खेले ध्यान रखना है, इस प्लेयर्स का ध्यान रखना, जब भी खेले ट्राइबल रहेंगे। यहाँ से एन कुमार तिवारी जब भी खेलते हैं ट्राइबल रहेंगे। बाकी यहाँ से मैंने अर्जुन शाही जो कि नंबर पाँच छः पे बल्लेबाजी भी करेंगे प्लस आपको दो ओवर की गेंदबाजी भी देंगे। हरी छेत्री वन डाउन बल्लेबाजी तो किए हैं बट गेंदबाजी कितना करते हैं ये देखना रहेगा, इस हिसाब से हम चेंजिंग कर लेंगे। बाकी बी खत्री है आई थिंक कि दो ओवर की गेंदबाजी करने चाहिए, क्योंकि फुल स्टेट्स में ये है कि इन्होंने दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए पाए गए हैं। ऐप महमूद डेथ में गेंदबाजी कर रहे थे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं ऐप महमूद के साथ जा रहा हूँ। यहाँ से आप इनके कैप्टन जो कि जे हसन उतना कुछ खास रिकॉर्ड रखते ही नहीं है, टीम के सिर्फ कैप्टनसी करेंगे, दो एक ओवर की दूसरे ओवर डालने आए थे, वहाँ पर 10 रन दिए थे, ख़राब गेंदबाजी कर रहे थे, तो इस कारण से मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं इस अभी के लिए जो है अपनी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, और अपनी कैप्टनसी इस मैच में जो जा रही है वो जा रही है जिशान महमूद के साथ। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे वाई महमूद और रोमन मजुमदार, मैं इन दोनों में से सोच रहा हूँ किसके करूँगा। ये फाइनल जो भी रहेगा पहले बल्लेबाजी आती है तो मैं रोमन मजुमदार को बिल्कुल कर लूँगा, और वाई महमूद को भी कर सकते हैं क्योंकि ये गेंदबाजी पूरे कंफर्म दो ओवर करेंगे। रोमन मजुमदार का बॉलिंग का कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि कितने बॉलिंग करेंगे, बट वाई महमूद जो है बॉलिंग करेंगे प्लस वन डाउन बल्लेबाजी, और हार्ड हिटर बल्लेबाज है अच्छा कर सकते हैं। बाकी यहाँ से इनके तरफ से अगर किसी को आप जी एल में सी बी सी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ पहले गेंदबाजी आए जी एल में तो एफ महमूद को कर सकते हैं, हरी छेत्री, अर्जुन शाही, और यहाँ से आपके लिए साहिल अख्तर और बी राना भट्ट, ये सारे जी एल के सी बी सी ऑप्शन रहने वाले हैं, इनके तरफ से तो ये सारे ऑप्शन है ही, तो ये कुछ ऑप्शन है। बट अभी के लिए मेरी जो है स्मॉल लीग की कैप्टनसी है जिसान महमूद के साथ, बॉयज़ कैप्टनसी में वाई महमूद के साथ जा रहा हूँ अभी के लिए। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आएगी टेलीग्राम में आफ्टर टॉस और लाइनअप आने के बाद। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ हेल्प सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।